सेंटर वाला हमारे पास जो साइज है वो है 10x20, वर्टिकल 20, हॉरिजॉन्टल 10। नेक्स्ट जो लेफ्ट एंड राइट वाले हैं ये है 9x18, वर्टिकल 18 और हॉरिजॉन्टल 9। फिर देन अगेन लेफ्ट एंड राइट वाले जो हैं उनका साइज है 7x14, 14 वर्टिकल 7 हॉरिजॉन्टल, बोथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड। अब जो मेरे पास कैनवस साइज बचा हुआ है वो जिसमें मैंने ये ड्रॉ किए हैं पैनल्स, ये यहाँ से यहाँ तक 48 इंचज़ है, 48 इंच यानी 4 फीट, और ये जो इसकी वर्थ है ये है 24 इंचज़ यानी 2 फीट यानी 24 इंच। ठीक है, अब हमने इसको करना है। बेटी आप मुझे पहले ना वो दे दीजिए, क्या देंगी आप? आप मुझे कलर्स दे दीजिए। सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करके तो फिर हम इस पे करेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा एक पेंसिल और दे दे मुझे, यो देखिए एक पेंसिल दे, और अच्छा जी। अच्छा आपने मुझे ब्लू और ब्लैक फरोजी ये तीन चार कलर जो है ना ये दे देने हैं। अच्छा इसमें आप ज़रा गौर से देखेंगे तो इसमें खाना काबा भी बना हुआ है, उसका इमेज बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कि हमने हमारे पास जो इसकी रफ ड्राइंग आ रही है ना, रफ वो तकरीबन आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, यानी तकरीबन यहाँ से शुरू हो रही है और तकरीबन यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये ठीक है जी। अच्छा अब हम यहीं पे रख के इसे शुरू करते हैं ताकि ये हो जाए कंप्लीट। ठीक है बेटा, चलिए ये शुरू किया आपने, इसको स्केच किया वॉल को, ये स्केच करके। अच्छा जी, अब हम पहले इसे रफ स्केच कर लेते हैं, इसके बाद इसको रेज करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये रेज हो ही जाएगा। ये उसकी वजह ये है कि इसकी सिर्फ आउटलाइन में नुकात आएंगे, कुछ अल्फाज आएंगे हरूफ तहजी के। ठीक है, और हरूफ तहजी ही आएंगे और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा जो ये आएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। ठीक है जी, इसके यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमने वॉल स्केच कर दी है। अच्छा जनाब, अब हम करते हैं। अच्छा जब भी आपको ये कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रॉ करना है या खाने काबा को आपने ड्रॉ करना है कैनवस पे या पेपर पे, आपको उसकी ज्योमेट्रिकल सेटिंग देखनी होगी। अब हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्रिकल सेटिंग है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसका साइज, इसका इमेज अगर मैं इस पे बनाता हूँ तो ये बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ से ना आप देखिए, गौर कीजिए ज़रा कि बिल्कुल वाओ के इस एरिया से भी नीचे आ रहा है, इस एरिया से भी। अब हम इसमें अपने पास से थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, क्या मुमकिन है बेटा ये हम अपने पास से थोड़ा इसमें चेंज कर सके या एज इट इज करें? नो, चेंजिंग बेटर कर ले, बिकॉज बिकॉज एज यू कैन सी ये देखिए ये ऊपर सारी अटती है। अगर हम यहाँ से होली काबा को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और ये जो इसके टॉम बने हुए हैं ना ये इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसकी लुक ब्यूटीफुल हो जाएगी। ठीक है बेटे, चले बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अच्छा जी,
अजीज। हम दिशा, तो आपका क्या ख्याल है बेटी, हम एक कोई बिग साइज में बाबे काबा ना ड्राइंग करें, एक बाबे काबा बनाए जो बड़ा लाइव साइज हो ना, कम से कम उसकी 6 फीट हाइट हो और 4 फीट विड्थ हो, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है आगे अपने नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपना प्लानिंग है ना, उसमें हम बाबे काबा बनाएंगे और जो बाबे काबा का साइज है ना वो लाइन साइज रखेंगे, यानी 6 फीट बाई और बट जो भी उसकी विड्थ है ना 4 फीट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह ना करते हैं ताकि ज़रा बच्चों में ये भी एक, अभी अब दे अल्लाह खैर रखे, बस आप दुआ करें अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे सबको, तो इंशाल्लाह अभी हमने इसमें बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। इस चैनल पे बच्चों को इस्लामी फ़नून, फ़नून लतीफ़ा के लिहाज से कैलीग्राफी या ये हिस्टोरिक बिल्डिंग मसाजिद ये सब कुछ इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह बारी ताला। ये देखिए यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करने से ना इसकी लुक बड़ी ब्यूटीफुल हो गई है पेंटिंग की, आप देख रहे हैं ना बेटी? जी बिल्कुल ठीक है। ये थोड़ा एम्प्टी इसका जो एरिया ना ये बड़ा खाली थी पेंटिंग, अब इंशाल्लाह हम इसे एकदम से सुपर्ब लुकिंग जो इसकी वो है ना वो दे जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा एक साइड थोड़ी सी ऊपर रख दी है और एक साइड थोड़ी सी नीचे है, ठीक है। अच्छा जी जी, अच्छा ये बताइए अब जो इन्होंने व्यू दिया है हम वो व्यू दे गुलाफे काबा का, या इसको थोड़ा हम नेचर के करीब लेके जाएं कि जिस तरह का होता है गुलाफे काबा में उस तरह कर लें, क्योंकि ये तो पहाड़ बने हुए हैं, इट्स नॉट लाइक वो ना, ये चूंकि पेंटिंग है और उन्होंने उस हिसाब से दे दिए हुए हैं, आप क्या कहते हैं? जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा आपको इसकी ज्योमेट्रिकल सेटिंग जहन में रखनी है,
जब भी बनाना है ना, मैं आपको, बेटा एक मुझे पेपर दीजिए, मैं ज़रा समझा दूँ कि कैसे इसे करना है आपने। अच्छा, मज़ीद इसमें मैं इंशाल्लाह आपको ना जो इसका बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ। पेपर इससे बड़ा, मुझे स्केच बुक दीजिए बेटा, ये वहीं पे उसी पे रख दीजिए, ये ले, ये देखिए। मैं आपको ना इसको जो, जब भी आपने ये है आपकी, समझ ले एक बाजार की लुक है। अब आप इस यहाँ पे इस एंगल पे बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये लाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, ये रोड जा रही है आपकी, ये आपकी लाइन स्ट्रेट रहेगी, यहाँ पे बाजार, और ये आहिस्ता आहिस्ता यू चला जाएगा। ये बिल्डिंग का असूल जो आपको बता रहा हूँ ना, इसका ये खाना है काबा का, तो ये तो स्ट्रेट है ना। मैं इसके, इसमें भी आपको ना आगे चल के जो इसका इंशाल्लाह हम बनाएंगे ना बाजार वगैरह और एंटीक बिल्डिंग्स, उन इसमें भी आपने ज्योमेट्रिकल सेटिंग का बहुत ख्याल रखना है इंशाल्लाह अज़ीज। अच्छा, अब हम करते ऐसे हैं इसे कि हम इसे परमानेंट मार्कर के साथ नीट कर लेते हैं, ताकि जब हम इस पर कलर्स अप्लाई करें तो ये हमें मिटे ना, पेंसिल मिटे ना, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप जूम कर दीजिए, रिकॉर्डिंग भी और ये स्टूडेंट्स का भी दिए। वार्निश इसके ऊपर आप स्प्रे, वार्निश अगर स्प्रे में हो, एक्रेलिक अगर स्प्रे में, यानी रबिंग वाली कोई चीज आप यूज ना करें इसमें। वो मेरे पास दोनों है, लेकिन एक लिक्विड भी है। अच्छा, वार्निश स्प्रे वन इज बेटर फॉर दिस पेंटिंग जी। हाँ, वो आप बेहतर ये है कि स्प्रे में यूज करें। ये देखिए बेटा, ये सिर्फ आपको आपको इस एहसास दिलाना है कि ये कितना आसान है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपने जो नेक्स्ट बनाना है वो बना के मुझे दिखाना भी सब बच्चों ने। सर मोबाइल थोड़ा साइड पे कर लीजिए। के जनाब, ये कैसा आपने क्या बनाया और कैसा बना आपसे इंशाल्लाह हमारी ताला। सर इसमें पेंट्स नहीं आएंगे? पेंट सब कुछ अभी देखते हैं ना, फिर हम मार्कर से रिपीट करेंगे। हाँ, इसमें हल्का सा ना, हल्का सा, ये बड़ी इजी थ्योरी है ना इसकी, इसका आसान तरीन तरीके से हम इसे बना रहे। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग? यस सर। जी जी जी, ठीक। अच्छा जी, सर
सर ये जो वाओ है इसमें भी हम मार्कर से लिखेंगे कलम से? भाई मैं बच्चों के लिए तो मैं इनसे एक बता दूंगा, इनफैक्ट हम जो लिखेंगे कोशिश करेंगे जो बड़े अल्फाज हैं वो कलम से लिखे जाएं और जो छोटे अल्फाज हैं वो हम मार्कर से लिख देंगे। ठीक है बेटा? ये इसके अकॉर्डिंग ही लाइनें लगेगी, ये दो दो ये आपने बिल्कुल इसी तरह लगा दी। ठीक है? अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा। अब आप देखिए थोड़ा सा ये हम इसे ये बिल्कुल स्ट्रेट है, हम इसे स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देंगे ताकि एहसास रहे कि ये गुलाई में है। ठीक है? अब ये कैसे आएगा? ये ठीक है। अब हम इसको अल्लाह आपका भला करे आबिद, हम इसको करते हैं ये देखिए दिशे वाली लाइन इसकी जो होगी वो स्ट्रेट होगी। अच्छा जी, चलिए अब हम इसे करते हैं रेज। अच्छा जी, सुभानअल्लाह। अच्छा बेटा मुझे वो ब्रशेस चाहिए मेरे वहाँ से। हाँ जी जी सर, वो ब्रशेस दे दे सर। इसमें आपको ग्रीन भी चाहिए होगा ना? ग्रीन ग्रीन टर्कोइश टाइप लग रहा है ना? नहीं, ये आपको लग रहा होगा, ये आप मुझे वाइट और वो दे दे, आप मेरे उस्ताद ना बने। इसे फ्रोजी में ब्लैक है जो आपको लग रहा है कि ये ना वो मेहंदी कलर में चला जाएगा हल्का सा ना। okay. हल्का सा, तो जो आपको एहसास दिला रहा है कि शायद ये वो है, पहले से फ्रोजी में वाइट डालेंगे और फिर इसमें हल्का सी एक एहसास जो है ना
वो जब ऊपर वॉशेस का आएगा ना तो वो बड़ी डैशिंग लुक हो जाएगी। अच्छा वो दे ना मुझे बेटा ब्रशेस वहाँ से दे दे। सर कौन से? वो जो मोटे ब्रशेस है वो दे दे। सर ये लीजिए। अच्छा बेटा ये जो थोड़ा सा ब्लैक है इस पे कैनवस पे ये चलेगा या आप इसको रिमूव करें? आप क्या कहती हैं बेटी, ये चलता है इसी रहे या इस रिमूव कर दें? नहीं सर ये ड्राई हो गया। अच्छा किधर गए ब्रशेस? अच्छा जी ये फ्रोजी में मैंने फ्रोजी स्काई ब्लू में मैंने पहले वाइट डाला है और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसमें जब लाइन वर्क करेंगे इसकी लाइनें ड्रॉ करेंगे तो फिर हम इसे इंशाल्लाह ताला आपसे ये भी बताएंगे कि इसको हमने ये देखिए नीचे आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये आसमान का व्यू है और नीचे पहले आपने हल्का हल्का वाइट जो है ना वो ज़रूर अप्लाई कर लेना है। ये देखिए ये देखिए आपने पहले इस पे ये हम एक्रेलिक कलर से काम कर रहे हैं और आपने भी यही कोशिश कर दी है कि आप इसे बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दें और कोशिश करें कि आपका जो ब्रश है वो इसी एंगल पे चले, वर्टिकल ब्रश स्ट्रोक्स ना आए, इसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स आने चाहिए। ठीक है अब हम इसे जनाब एक दफ़ा फिर यहाँ से बहुत ज़रूरी है आपको कि आप इसमें अपने कलर्स के साथ वाइट यूज़ करेंगे तो आपकी मर्जी का इसमें रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ ये इसका रिज़ल्ट जो है ना वो इससे ही नहीं आएगा क्लाउड्स का। ठीक है
नहीं बेटा ये ब्लू है, इसमें हल्की सी टच जो है ना ब्लैक की है। आवाज आ रही है। अच्छा, मैं कल कलर्स का पूछ रही थी, आपने कलर्स में सिर्फ ब्लू और वाइट लिए, इसके अलावा भी हैं? अभी अभी तक सिर्फ ब्लू में वाइट है और बहुत हल्का सा समझ ले कि नॉमिनल सी टच जो है ना वो ब्लैक ही है। एंड पे इस पे हमने ब्लैक के वॉशेस देने हैं, अभी हल्के हल्के ना लाइट वॉशेस देंगे। ओके ठीक है, ये